नमस्कार, एस न्यूज आपका सच चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ की आपदा में सरकार बाढ़ पीड़ितों का साथ है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। सीएम ने कहा कि एमपी राजस्थान में अतिवृष्टि से यूपी में बाढ़ आई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है और प्रशासन को पीड़ितों की मदद के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का चारा उपलब्ध कराया जा रहा है और किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने कहा कि दलहन तिलहन सब्जी की फसलों के लिए किसानों को मुफ्त बीज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा में सरकार पीड़ितों को लेकर पूरी संवेदनशील है। सीएम ने कहा कि बाढ़ के हालात का निरीक्षण कर मैंने अफसरों को राहत कार्य के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के हालातों का जायजा लेने गाजीपुर पहुँचे थे। इस दौरान सीएम ने मोहम्मदाबाद के अष्टशहीद इंटर कॉलेज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान सीएम ने जिला प्रशासन के अफसरों के साथ मीटिंग की और गाजीपुर में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। इससे पूर्व सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। गाजीपुर से सीएम चंदौली वाराणसी के लिए रवाना हुए। आज मैं वाराणसी मंडल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आया हूं। वाराणसी मंडल में या उत्तर प्रदेश में जहां भी बाढ़ आई है वहां पर अतिवृष्टि के कारण नहीं बल्कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण ये क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राजस्थान से 26 लाख क्यूसेक जल चंबल नदी में छोड़ने के कारण और ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 4 लाख क्यूसेक से अधिक जल बेतवा नदी में छोड़ने के कारण यह जल प्लावन की स्थिति चंबल में बेतवा में यमुना जी में गंगा जी में थोड़ा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 18 जनपद इससे प्रभावित हुए हैं। 1100 से भी गांव प्रदेश में प्रभावित हैं और अकेले गाजीपुर के अंदर 37 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं। 7000 से अधिक परिवार इसमें इसकी चपेट में आए हैं। शासन ने 288 से अधिक यहाँ पर प्रशासन ने नौकाओं की व्यवस्था की है। खाद्यान्न सामग्री हर एक प्रभावित परिवार को मिल सके युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं और उन्हीं सब की समीक्षा करने के लिए और प्रभावित गांवों का निरीक्षण करने के लिए मैं आज निकला हुआ हूँ। मैंने गाजीपुर के सभी प्रभावित क्षेत्रों को देखा है और अभी यहाँ पर राहत के कारण कुछ कार्यक्रम को मैंने निरीक्षण किया है। प्रशासन की व्यवस्था की समीक्षा भी की है। प्रशासन को सतर्क रहने पीड़ित परिवारों को असंभव सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही क्योंकि जिन क्षेत्रों में जल भरा होगा वहाँ पर सांप बिच्छू के काटने की शिकायतें मिलती हैं तो एंटी स्नेक वेनम की पर्याप्त उपलब्धता एंटी रेविज के इंजेक्शन भी वहाँ पर CSC आदि में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था के लिए पहले ही हिदायत दी गई है। उसकी पूरी व्यवस्था पहले से तैयार की गई है। आपदा के इस समय में सभी प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है और सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए आश्वस्त करने के लिए ही आज मैं स्वयं यहाँ के दौरे पर आया हूँ। अभी मैं गाजीपुर का अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए चंदौली और वाराणसी के क्षेत्रों का दौरा करूँगा, फिर वहाँ एक समीक्षा बैठक भी इसके संबंध में लूँगा जिससे कोई भी पीड़ित परिवार शासन की किसी सहायता से वंचित न रहने पाए। इसके साथ ही प्रदेश ने चूंकि प्रदेश में एवरेज से भी काफी कम बारिश हुई है हमने इसके लिए कृषि और उद्यान विभाग को किसानों को लघु और सीमांत किसानों के साथ साथ अन्य किसानों को भी दलहन तिलहन और सब्जी के बीज फ्री में उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कहा है क्योंकि सितंबर का पूरा महीना जिन्होंने धान की अपनी फसल को नहीं लगाया है या धान की फसल
कम बारिश के कारण या अवर्षा के कारण नहीं हो पा रही है, वहां पर तत्काल दलहन तिलहन या फिर सब्जी की खेती के लिए उन्हें बीज शासन उपलब्ध कराएगा और अन्य सहायता भी उपलब्ध कराएगा। इसकी सर्वे करने, इसको तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराए गए हैं। मुझे विश्वास है कि आपदा के समय जनता जनार्दन के साथ और अपने अन्नदाता किसानों के साथ डबल इंजन की सरकार सदैव खड़ी रहेगी। धन्यवाद।